हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन में एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में बताया है। अब जो दूसरा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आइए समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और इसका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो पाइथन की आइडियली को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये पाइथन की आइडियली ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम लेंगे न्यू पेज। तो यहाँ से ले लेते हैं न्यू पेज और चलिए अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, यानी आज का टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर से पाइथन। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑपरेटर है वो होता है लेस देन। इसे क्या कहते हैं? लेस देन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस देन। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, देख सकते हैं इसको लेस देन किस तरीके से लिखा गया। अब मान लीजिए ग्रेटर देन करना हो तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन, तो एक हो गया लेस देन, दूसरा हो गया ग्रेटर देन, और एक होता है लेस देन इक्वल टू। तो देखिए ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इसे क्या कहेंगे? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक हो गया लेस देन इक्वल टू और एक हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है नॉट इक्वल टू। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि नॉट इक्वल टू बनाने के लिए ये साइन यूज होता है, ये एक्सक्लेमेशन ऑफ फिर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। इसे क्या कहेंगे? नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ऑपरेटर्स है। और एक और इसमें होता है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसे कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू कैसे लिखा जाता है? तो ये दो बार इक्वल लिखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसका यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब लेस देन को समझने के लिए एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है, देख सकते हैं। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, और कहा है इफ x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन y यहां पे प्रिंट हो जाए। तो इसको चलाने पे क्या होगा? F5 करते हैं, इसको पहले हम सेव करेंगे। तो यहां पर किसी भी नाम से इसे सेव चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में .py रखना जरूरी है। तो यहां पे इसे सेव करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं x इज लेस देन y दे रहा है। अब यहां पर चूंकि x जो है 5 है और y जो है 6 है, तो x इज लेस देन y, यानी ये जो है आपका जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, उसका पहला जो एग्जांपल था वो ये है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, दोनों कर देते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू को भी 6 रख देता हूं, तो ऐसे में क्या आंसर आएगा? तो ऐसे में एक तो कंडीशन ट्रू रहेगी कि भाई लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है। तो ऐसे में यहां पर जो है चेंज करेंगे, यहां पर देखिए इक्वल टू ये इस तरीके से, और अब इसको चला दीजिए F5 करके। तो यहां पे देख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y है, तो भाई लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो यहां पर ये एग्जांपल इस पे सटीक बैठेगा। अब मान लीजिए ग्रेटर देन करना है। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटर देन करने के लिए क्या करेंगे? साइन बस उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर कर दीजिएगा लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके इसे चला दीजिए और आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पे ग्रेटर तो है नहीं, तो यहां पे ग्रेटर कर देता हूं, x को ग्रेटर कर देता हूं, 10 कर देता हूं। अभी देखिए अभी ये प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, तो यहां पे देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया, x इज ग्रेटर देन, अब तो ग्रेटर हो गया ना। देखिए यहां पर x तो ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर हो गया तो वो प्रिंट हो गया, तो ये भी एग्जांपल इस पे सटीक बैठता है। अब अगले की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू यहां लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू भी कर दिया और ग्रेटर देन तो है ही है, तो अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर जो है ये प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। तो आप देखेंगे यहां पर एक कंडीशन ट्रू है। अगर मान लीजिए मैं इसके बराबर कर देता हूं y की वैल्यू को, यानी 10 के बराबर कर देता हूं या 10 ही कर देता हूं, तो ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर, तब भी ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का था। ठीक है, एक और एग्जांपल जो कि नॉट इक्वल टू का है, उसको भी मैं समझा देता हूं कैसे उसे करना है। देखिए यहां पे नॉट इक्वल टू के लिए आपको क्या करना है, यहां पे नॉट इक्वल टू के लिए ये लगाना है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसे नॉट इक्वल टू कहते हैं, इसी तरीके से नॉट इक्वल टू लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए y की वैल्यू 10 है, तब तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, यहां पर कोई भी चीज प्रिंट होती हुई नजर नहीं आएगी। यहां पे देखिए कुछ भी प्रिंट हो रहा है? नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन हमने दी नहीं है, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज यहां पे 9 हो जाए या 15 हो जाए, y बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए,
तो यहां पर not equal to चलेगा और फिर x is not equal to यहां पे चेंज भी कर देते हैं, यहां पे देखिए ये greater than ही रखा हुआ है, तो x is not equal to कर देते हैं यहां पर आकर के, ये not equal to, अब इसको चलाएंगे तो देखिए ये चलेगा, तो देखिए कह रहा है x is not equal to y, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 15 है, अब ऐसा नहीं है कि ये कम हो जाएगा तो ये जो है नहीं प्रिंट करेगा, अगर मैं 0 भी कर देता हूं यहां पर, x की वैल्यू 0 भी कर देता हूं तो भी सेम रिजल्ट रहेगा यहां पे देखिए, क्योंकि ये तो बात वही है, ठीक है, अब बड़ा भी हो जाएगा तो भी सेम रिजल्ट रहेगा, यहां पे देख सकते हैं अगर मैं यहां पे 100 कर देता हूं तो भी सेम रिजल्ट रहने वाला है, तो यहां पे देखिए ये प्रिंट होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, अब बचा है इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू यानी बराबर वाली बात है, तो यहां पे इक्वल टू कर दिया, तो अभी क्या प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा क्योंकि एल्स की कंडीशन ही नहीं है, तो प्रिंट कैसे होगा, तो इसको चलाते हैं देखिए यहां कुछ भी नहीं आया है, लेकिन यही चीज जब बराबर कर देते हैं यानी यहां भी 100 हो गया, यहां भी 100 हो गया, तो ये चीज प्रिंट होती भी नजर आएगी, यानी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी और ये आपको मिलेगा, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है।